आदाब, पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और आप सच्चाई से रूबरू यू ही होते रहें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। एक अहम जानकारी लेकर के आप लोगों के सामने छोड़ा हूं जिस पर आप लोगों को भी नजर डाल लेनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरीके का प्रोपेगेंडा सरकार और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया खेलता रहा है उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है और मुख्तार अंसारी को लेकर के वो क्या अहम खबर है इस पर आप लोग भी एक बार नजर डाल लीजिए। बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 2005 में हुई इस हत्या का आरोप बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत 5 लोगों पर लगा था। इसमें से मुन्ना बजरंगी की बीते दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट का ये फैसला मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल के रॉबिनहुड बन गए। हालांकि आज भी उत्तर प्रदेश के माफिया और बाहुबली नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर माना जाता है। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में ही हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे जबकि उनके पिता एक कम्युनिटी नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। किशोर अवस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग रहे। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। कॉलेज में उन्होंने एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा कुछ खास नहीं किया लेकिन राजनीति विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीबी सिंह के मुताबिक वह एक आज्ञाकारी छात्र थे। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर दो गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरा गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। यह हिंसक वारदातों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गिरोह बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी का इस गिरोह से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी लेकिन इस बात को लेकर वह चर्चाओं में आ गए थे। 1980 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 में आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गए थे। उसके मारे जाने की अफवाह थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार चौथी बार विधायक बने। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह जिंदा पाए गए और फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।
अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बृजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हराया था। बाद में मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि कृष्णानंद राय ने बृजेश सिंह के गिरोह को सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में चुनाव के दौरान उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लिया। उनके विरोधियों ने जाति के आधार पर विभाजित हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद पूर्वांचल में कई आपराधिक घटनाएं और सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई। ऐसे ही एक दंगे के बाद मुख्तार अंसारी पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस मामले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी को निशानाबाजों अंगत राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन बृजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला था। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में पीड़ित ने एक हल्फनामा देकर अंसारी के खिलाफ कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार के मुख्तार पर मकोका लगा दिया था। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती सहित जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन दोनों को पार्टी में आने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वे झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी वजह से उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लेने से परहेज करने का वादा भी किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने रॉबिन हुड के रूप में मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत किया और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा था। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर वह भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गए। उन्हें जोशी के 30% मतों की तुलना में 27% वोट हासिल हुए थे। 2010 में अंसारी का नाम सिंह मोर्या की हत्या का आरोप लगा। मोर्या मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था, जिसे कथित तौर पर 2009 में अंसारी के गिरोह ने मार दिया था। जब पार्टी को एहसास हुआ कि मुख्तार और उनके भाई अब भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया। बसपा से निष्कासित किए जाने के बाद दोनों भाइयों को अन्य राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। तब तीनों अंसारी भाइयों मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और सिद्दकतुल्ला 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। इससे पहले मुख्तार ने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी नामक एक संगठन शुरू किया, जिसका विलय में कर दिया गया था। मार्च 2014 में अंसारी ने धौसी के साथ साथ वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए कहा था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोट विभाजन रोकने के लिए ऐसा किया है। मुख्तार अंसारी विधानसभा सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधान नीति से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते रहे हैं। उन्होंने मऊ और अन्य क्षेत्रों में विकास के कई बड़े काम करवाए हैं। मुख्तार ने बतौर विधायक क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अस्पतालों के अलावा एक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया है। साथ ही वे अपनी निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर भी खर्च करते आए हैं।
पूर्वांचल के लेखक गोपाल राय के मुताबिक अंसारी ने व्यक्तिगत रूप से उनके बेटे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में कैसे उनकी मदद की वे कभी नहीं बोल सकते। ऐसे ही एक और आदमी की पत्नी के दिल का ऑपरेशन के लिए उन्होंने सारा पैसा दिया था। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार क्षेत्र में होने वाले गरीब की बेटियों की शादी के लिए दहेज का पूरा भुगतान करते हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी जिसका खुलासा 2014 में हुआ। बृजेश सिंह ने अंसारी को मारने के लिए लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। ये अहम खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुपारी के खुलासे के बाद पूर्वांचल में यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। अभी भी पेशी पर या विधानसभा सत्र के लिए जाते समय मुख्तार की सुरक्षा बहुत कड़ी रखी जाती है। अंसारी के राजनीतिक करियर को कानूनी उथल पुथल ने हिलाकर रख दिया था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद उन पर कई आरोप लगे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। वे तभी से जेल में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर से मथुरा जेल भेजा गया था लेकिन बाद में उन्हें आगरा में जेल भेज दिया गया था लेकिन उसके बाद उन्हें लखनऊ जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उनके जेल जाने से पूर्वांचल में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी ने 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 2 बार निर्दलीय। उन्होंने जेल से ही 3 चुनाव लड़े। पिछला चुनाव उन्होंने 2012 में कौमी एकता दल से लड़ा और विधायक बने। वे लगातार 4थी बार विधायक हैं। पूर्वांचल में उनका काम उनके भाई और बेटे संभाल रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को भी उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मुख्तार अंसारी मऊ के रॉबिनहुड और गरीबों के मसीहा हैं। आज वो एक केस में बरी हो गए हैं पर उसके बारे में बताने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर ताले लग चुके हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो लोग उनके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो था बाहुबली डॉन। इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी के लिए किया जा रहा था और गला फाड़ फाड़ करके ये बताया जा रहा था कि आज मुख्तार अंसारी जो बाहुबली है वो गिरफ्तार हो गया है। पर आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि वो लोग अब कहां जाकर के मर गए हैं जो लोग अपने स्टूडियो से बैठ करके ये बता रहे थे कि आज मुख्तार अंसारी बाइज्जत बरी हुए हैं। ये खबर की जानकारी लोगों को कौन बताएगा और इसके बारे में बात कौन करेगा। पर इन लोगों को तो महारत हासिल है, जहां मुस्लिम नाम देखा नहीं उनकी छवि को ध्रुमित यूं ही करते आए हैं। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह मुख्तार अंसारी का कद यूपी की राजनीति में बड़ा होता गया और जब राजनीतिक कद बड़ा होता गया तो उनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज होते चले गए। पर इसके बारे में ये लोग बात करते आएंगे पर उसके पीछे की जो हकीकत है वो बताना नहीं चाहते कि किस तरह अंसारी परिवार गरीब लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है और किस तरह बढ़ चढ़ करके मुख्तार अंसारी और उनका परिवार गरीबों की मदद करता आ रहा है। पर भले ही वो आपको इन सच्चाइयों से रूबरू कराएं या ना कराएं, मैं अक्सर इन सच्चाइयों से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। शुक्रिया।